ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। हाँ हाँ बस ये उल्टे हाथ पे, हाँ बस टर्न कर जाओ और ये वाली गली बिल्कुल सीधे आ जाओ सीधे। हाँ मैं गेट पे खड़ी हूँ। को मिनिस्टर आ रहा है क्या? नहीं क्यों? मैंने कभी देखा नहीं कि किसी को वेलकम करने आप गेट पे आई हो। नहीं नहीं वो मेरी बचपन की सहेली आ रही है बस इसीलिए आ गई। तो उसको लाने के लिए आप बाहर क्यों आई? नहीं वो तो मैं उसको एड्रेस बता रही थी और बताते बताते बाहर आ गई। हाँ वही मैं बोलूं जो अपने बाप को लेने कभी बाहर नहीं गया अब कैसे बाहर आ गया? क्या मतलब है जानी? कुछ नहीं वैसे ही वैसे। ये तो नहीं कहीं मुझे तो नहीं लगता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो रानी? मैं ठीक हूँ, इनसे मिले। ये मेरे शौहर बादशाह। बादशाह? किस मुल्क के बादशाह? अपने घर का, मेरा मतलब है मेरा नाम बादशाह है। अरे भाई वो तो नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, क्या शाहाना ठाट है आपके। सीमा ये तुम्हारे शौहर है? नहीं नहीं ये तो मेरा मैनेजर है जानी। क्या बात है मैनेजर, बहुत अच्छे। अब चलो आओ अंदर चलते हैं, आओ। अच्छा हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं बैठो ना, मैंने जाने को भेजा है कुछ सामान लेने के लिए, बस आते ही होगा। आप मालूम कर लेंगे कितना वक्त लगेगा उनको, और अगर देर है तो फिर कभी सही, घर की सी बात है। अब मेरी एक मिनट मैं कॉल करती हूँ उसे। हेलो जानी कहाँ रह गए हो तुम? क्या गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है? अच्छा तो हम चलते हैं। गाड़ी तो पता नहीं कब ठीक होगी इनकी। सीमा अगर मैनेजर की जगह तुम कोई अच्छी गाड़ी ले लेती ना तो तुम्हारे काम आती आज। सीमा अरे बाबा ये लोग कौन है? ये मेरी बचपन की सहेली है रानी और ये इनके शौहर है बादशाह। ये यकीनन तुम्हारा नौकर होगा। नहीं नहीं अरे बाबा मैं इस घर का मालिक हूँ, सीमा का शौहर, नाम है बच्चू। क्या शौहर? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा बाबा करते क्या है ये? अरे बाबा हमारे अपने अपने बाड़े हैं, बड़े बड़े दूध के बाड़ों के मालिक हैं हम। इससे अच्छा तुम दूध वाला ट्रक ले लेती, वो तुम्हारे काम आ जाता और खराब भी नहीं होता, और इनके काम भी आता दूध बेचने के। वाह 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 क्या बात की है बाबा, क्या बात की है। अच्छा चलो हम चलते हैं ठीक है। बाबा बहुत जल्दी चले गए। देख लो बच्चों उनको, उनके पास ना सिर्फ एक बाइक थी और आज वो अपनी गाड़ी पे आए हैं और तुम बस ट्रक के चक्कर में लगे रहना। अरे बाबा तो मैं क्या करूं, जानी को बोलो ना अच्छे तरीके से बेचे दूध को, हमने तो भैंसे रख ली हैं बाबा, अब दूध बेचना तो जानी का काम है ना। सीमा मैंने क्या कहा है बाबा? अरे बाबा मेरा मूड क्यों खराब है? मूड तो खराब होगा ना मेरा। अरे लेकिन क्यों होगा? वो मेरी दोस्त है ना रानी, उसके पास इतनी अच्छी और बड़ी गाड़ी है और एक हम है। हम है तो क्या हुआ बाबा? हमारे पास एक ही गाड़ी है वो भी खचारा। अब इतनी खचारा भी नहीं है बेगम। ऐसी ही है, कहीं भी खराब हो जाती है। अरे तो बाबा आप क्या चाहती हैं? मुझे भी ना रानी की गाड़ी से बड़ी और अच्छी गाड़ी चाहिए। अरे सीमा बेगम क्यों फजूल खर्ची की बातें करती हैं आप? गाड़ी रखना कोई फजूल खर्ची नहीं होती, समझे ना? समझ गया बाबा। बस मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गाड़ी चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। अरे बाबा इतनी जल्दी नहीं मिल सकती है, गाड़ी ढूंढनी भी तो पड़ती है। तो ढूंढो ना, कुछ करो जाओ। अच्छा एक मिनट जानी। अरे बाबा जानी इधर आओ बाबा, किधर है तुम? आगे आगे हुकुम हुकुम। हाँ बाबा जानी मसला ये है कि बेगम साहिबा को फौरन गाड़ी चाहिए, वो भी बड़ी वाली बाबा, कुछ करना पड़ेगा वो तुम ही कर सकते हो। तो मिल तो जाएगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है जानी लेकिन तुम सारे काम छोड़ के ना सबसे पहले गाड़ी पे फोकस करो। ठीक हो गया मैं अभी कुछ करता हूँ। हाँ, जाओ बाबा जा। हाँ, अब जाओ। तुम भी जाओ, मेरे सर पे क्यों खड़े हो? अच्छा बाबा जा। कोई काम ढंग से होता ही नहीं है किसी से।
अरे पापा मैं तो खुशी से बहुत ज्यादा पागल ही हो गई हूँ। मैंने तो घूमने फिरने का इरादा भी कर लिया है। गाड़ी तो आ रहे तो फिर इरादा कर रहा ना। लो भला अदा के लिए गाड़ी लेना कौन सा मुश्किल है, जल्दी से गाड़ी आ जाओ, जैसी गाड़ी आएगी हम लोग चलेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी क्या अमेरिका में खड़ी हुई है? अरे नहीं नहीं बाबा, वो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान घूमने चलेंगे, पूरा पाकिस्तान। और तुम्हें पता है वो जो मेरी दोस्त है ना शाजिया, शाजिया? हाँ। अरे मैंने उसको अभी देखा थोड़े दिन पहले, इतनी मॉडर्न हो गई गांव की लग ही नहीं रही। अच्छा अच्छा ठीक है, मैंने उसको बोल दिया है कि वो आ जाएगी, जैसे ही वो आ जाएगी मैं और वो मिल के एक साथ प्लॉट बनाएंगे जाने का। प्लॉट? कौन सा प्लॉट, कैसा प्लॉट? अरे पापा वो कहीं जब जाते हैं तो बैठ के आपस में बातें करते हैं, तो वो कुछ बोलते हैं ना, क्या बोलते भला उसको? प्लान 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 प्लेन प्लान प्लान प्लेन प्लेन क्या प्लान प्लान बोलते हैं उसको प्लान। अच्छा ठीक। जरीना मैं आ गई। आप रोज आया करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। लाल शरबत? हाँ। मैं भला खिला, बैठे बैठे बैठे। बहुत तो बातें करता है। बैठो बैठो, कैसी हो शाजिया? मैं ठीक हूँ। कहाँ है गाड़ी, मुझे भी दिखाओ ना। अरे बाबा अभी तक खरीदी नहीं है। लो खरीदी है नहीं तो फिर कैसे जाएंगे हम पाकिस्तान घूमने? अरे इतनी तकड़ी होने की क्या जरूरत है, कह तो रही हूँ अभी आ जाएगी। अच्छा मैं शीशे के पास ही बैठूंगी, पहले कह देती हूँ। हाँ बुखी भिड़सा। हाँ भला ठीक है, गाड़ी में बहुत सारे शीशे, एक शीशे पे तुम बैठ जाना, एक पे मैं बैठ जाऊंगी, दोनों मिल के मजे करेंगे। लेकिन जाने से ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। सही है, पसंद लुतेरे पहले ही आ गए। कुछ नहीं। और जाने बुआ जूस ले आओ। बाबा जूस? क्या बोल रही हो, ला रहा हूं। ये जानी अभी तक नहीं आया, कहां रह गया? अरे बाबा अभी बुलाता हूँ। जानी, अरे बाबा जानी इधर आओ यार। आया आया आया, और भी बहुत काम होता है, किचन भी संभालना होता है, फरमाए। अरे बाबा तुमने गाड़ी नहीं दिखाई है अभी तक। क्या जानी तुमसे एक काम नहीं हो सकता? गाड़ी को जेब में थोड़ी रखी हुई है, टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है। अरे बाबा तो जल्दी करो ना। हाँ जानी, सारे काम छोड़ो और बस इसी पे फोकस करो। हाँ बाबा कोई अच्छी सी बड़ी सी गाड़ी दिखाओ। बड़ी गाड़ी? एक काम करें ट्रक ले लें, उससे बड़ी तो गाड़ी कोई होती नहीं। अरे वाह जानी क्या आइडिया दिया बाबा, गाड़ी की गाड़ी और उसमें बाद में दूध भी सप्लाई करें। बच्चू बाबा मैं मजाक कर रहा हूँ, एक काम करते मैं भी ढूंढता हूँ, बल्कि अपने दोस्तों को भी बोल देता हूँ कि वो भी कोई अच्छी बड़ी गाड़ी ढूंढे। जानी तुम भी ढूंढो। ये अच्छी बात की आपने, मिल बांट के ढूंढते कोई अच्छी गाड़ी मिली जाएगी। बस जानी तुम अब जाओ और बस इसी काम पे फोकस करो, जल्दी से ढूंढो गाड़ी। मैं अभी फोन करता हूँ, ये देखो। हेलो। हाँ बाबा एक मिनट रुको, चमचा भी उठाओ। उठा लो, काम तो एक कर लो। चमचा उठा के लेकर आओ बाबा। नहीं नहीं मैं आपसे नहीं, उनसे कह रहा। हाँ अरे नहीं बच्चों, बदतमीज तो खैर है लेकिन अच्छे हैं, दिल के अच्छे आदमी। जी 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 उन्हीं को चाहिए। कैसा लोग कर रखा है सीमा? मैनेजर है मैनेजर, तुमने सर पे चढ़ा दिया इसको। मैंने सर पे चढ़ाया? तुम्हारा मैनेजर है, मैं क्यों सर पे चढ़ाऊंगा बाबा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। आइए सर, आइए आइए। याद से बच्चू भाई, सीमा मैडम तशरीफ कीजिए। सीमा मैडम आइए आइए, जरीना सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। गाड़ी आ गई क्या? गाड़ी गाड़ी का तो पता नहीं है लेकिन बंदा आ गया, ये दिला के देंगे हमें। अरे वाह 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 वा, इसका मतलब है कि? अरे बाबा पहले मुझे बताओ भला उस गाड़ी में हम लोग घूमने के लिए जा सकते हैं? हाँ हाँ पूरा खानदान जा सकता है। क्या मतलब, उस गाड़ी में इतनी जगह होगी? अरे मैडम जगह ही जगह होगी। अच्छा बाबा हम उसमें दूध की बाल्टियाँ रख सकते हैं? कितनी रखनी है ये पूछे हैं? अच्छा बाबा कितनी, मुझे क्या पता। लो भाई ये गाड़ी ना, ये तो ट्रक हो गया। ट्रक ही तो है। क्या ट्रक है? आप ट्रक डीलर हैं? जी जी, मुझे तो जानी ने फोन किया था कि दूध वालों को बड़ी गाड़ी चाहिए, मैं आ गया। तेरा बेड़ा गरक, अब क्या भला हम ट्रक पे घूमने जाएंगे? अच्छा बाबा ये बताओ कि ट्रक है कितने का? बच्चू अरे बाबा वो दूध के लिए चाहिए होता है ना, तो इसलिए पूछ रहा हूँ। सारा मूड खराब कर दिया। भाई आप जाए, हमें ट्रक नहीं में गाड़ी चाहिए। अरे मैडम आप सुजुकी ले लें, आप लोग भी आ जाएंगे और सामान भी आ जाएगा। अरे चले हो गया क्या? मेरे ख्याल से कोई गलत फहमी होगी। उठे 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 उठे, तो बस भी करें, आप तो उठते ही चले गए हो यार। यार ये क्या बात हुई, तुम्हारा तो मुझे टाइम ही खराब कर चलो। ए हल्लता टाइम खराब दियो। बच्चू भाई ये तो आपका केस लग रहा है। अरे बाबा जाओ लेकर जाओ, बाबा बाहर छोड़ो इसे। चल चल मैं आपको बाहर छोड़ के आता हूँ। अरे बाबा कीमत तो पूछने देती। हद करते बच्चू, ट्रक। अरे बाबा दूध की सप्लाई के लिए चाहिए ना। मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए, जहाँ पैसा आ रहा है जहाँ से वहाँ नहीं लगाना पैसा, गाड़ी चाहिए।
दूध के सोचते हैं ना। अरे बाबा गाड़ी चाहिए हमको। गाड़ी नहीं उसे ट्रक बोलते हैं। अरे बाबा ट्रक नहीं हमें गाड़ी चाहिए गाड़ी। पर तुम गाड़ी का करोगे क्या? अरे बाबा गाड़ी चलाऊंगा और क्या। भाई तू दूध वाला है गाड़ी छोड़ ट्रक ले ले शजोर। अरे बाबा नहीं गाड़ी चाहिए यार मजाक नहीं करो गाड़ी दिखाओ यार। अच्छा बच्चों ट्रक को अभी इसमें निकाल के दिखाता हूँ मैं। मिल गई देख के ये देख के तेरा दिल खुश हो जाएगा। अरे वाह। अरे बाबा ये गाड़ी नहीं है ट्रक की तस्वीर है। एक तो गाड़ी नहीं मिल रही ऊपर से तमाशा लगाता है। भागो यहाँ से सारे तुम लोग। तंग करके रखा हुआ है बाबा। कौन लोग हैं ये? दोस्त बनते हैं बच्चों के काम नहीं आते एक टाइम पे। भाई ये है कार डीलर ये हमारी कुछ मदद कर सकते हैं। अरे बाबा आपके पास ट्रक तो नहीं है? आपको क्या लेना है गाड़ी या ट्रक? आपके पास भला क्या है? मैं तो गाड़ियों का डीलर हूँ। हमें तो बड़ी गाड़ी चाहिए। छोटी बड़ी सारी गाड़ियां मौजूद है मेरे पास। आपको कौन सी चाहिए? मैं बताती हूँ मैं। ये वाली। ये वाली बाबा ये वाली। हाँ ना पापा ऐसी गाड़ी हो जिसमें हम सब लोग घूम सकें। जी मेरे पास है मिल जाएगी। कितने की मिलेगी? आपको 1 करोड़ में मिल जाएगी। 1 करोड़ की? बाबा इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अरे बाबा एक गाड़ी चाहिए बहुत सारी नहीं। जी मैं भी एक ही गाड़ी का बता रहा हूँ जैसी मैडम ने दिखाई वैसी। लेकिन बाबा 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। इतने पैसे नहीं है हमारे पास। क्या इतने पैसे नहीं है तो ऐसी गाड़ी क्यों देख रहे हैं आप लोग? फजूल में मेरा वक्त बर्बाद किया है। छोटी गाड़ी चाहिए तो बता देना मैं शोरूम का पता भेज दूंगा आके देख लीजिएगा। नाराज हो गया लगता है। क्या बच्चू? अरे बाबा 1 करोड़ रुपया है मजाक थोड़ी है। अदा मैंने तो गाड़ी में घूमना भी शुरू कर दिया था। एक काम करते हैं क्यों ना छोटी गाड़ी ले लेते हैं। हाँ बाबा गाड़ी छोटी हो या बड़ी उससे क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं मुझे तो बड़ी गाड़ी ही चाहिए बस। मैं नहीं लूंगी छोटी गाड़ी। अरे गऊ कुछ बता बाबा कोई मसले का हल निकालो बाबा। पैसा नहीं है आजकल क्या करें। बच्चू भाई खैर तो है इतने परेशान क्यों है? अरे बाबा वही गाड़ी वाला मसला। छोटी गाड़ी घर वालों को चाहिए नहीं बड़ी गाड़ी के पैसे नहीं। ये तो वाकई मसला है। हाँ बाबा इस मसले का हल निकालो ना बाबा कुछ करो जानी। हाँ मेरा एक दोस्त तो है जो बड़ी गाड़ी सस्ते में दिलवा सकता है लेकिन। लेकिन क्या बाबा? लेकिन पुरानी गाड़ियां हैं लेकिन लगती नहीं है। अरे बाबा वो ट्रक वाला मसला नहीं करना बाबा फिर से। ओ, नहीं 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 उसके लिए तो मैं माजना चाहता हूँ। तो बोले तो बुलाऊं उसको? हाँ बाबा बुला लो लेकिन हाँ बाबा किसी को बताना नहीं पहले मैं खुद देखूंगा बाबा। नहीं नहीं भले जैसे आपकी मर्जी। हाँ बाबा फोन करो ना बाबा। हेलो। हाँ क्या हाल है? ठीक हो भाई? एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी जरा कड़क गाड़ी निकालना जरा। हाँ बच्चू भाई है ना हमारे? हाँ हाँ मेरे मालिक। हाँ बॉस है वो। नहीं जैसी नहीं जैसी नहीं नहीं जैसी हो छोटी हो भले। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा खट्टा मीठा। अरे बाबा जानी ने सारे प्याले तोड़ दिए चाय पीने का मजा ही नहीं आता है। आइए 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 नदीम भाई आइए आइए देख के चलिएगा। बच्चू भाई ये नदीम भाई है और इनके पास है गाड़ी। अच्छा बाबा नदीम साईं बैठो बाबा बैठो दिखाओ कौन सी गाड़ी है। ये हमारी गाड़ी है। वाह सही भाई ये वाली अच्छी है। और ये भी है। हाँ बाबा ये वाली भी अच्छी है लेकिन बाबा ये वाली अच्छी है बताओ कितने की देनी है? दूंगा नहीं बेच रहा हूँ। मतलब बाबा वही मेरा मतलब है। कितने पैसे बाबा? फाइनल 20 लाख में। 20 लाख में बाबा डन करो। डन डन मेरी तरफ से भी डन डन। अरे बाबा आप जाके गाड़ी लाओ मैं पैसे लाता हूँ। उसी गाड़ी में तो आए बाहर खड़ी है। ओ ये तो बेहतरीन हो गया बाबा ला चाबी दो। एक मिनट चाबी कहाँ गई भाई? क्या रे ये लो भाई ये चाबी लो। हाँ बाबा ये उसी की चाबी है। अरे बाबा जानी जाओ सीमा और जरीना को बुला कर लो गाड़ी दिखाते। अभी एक मिनट बाबा बैठो। नदी में सही इधर इधर हो जाना बाबा। बाबा गाड़ी का नहीं बताना कि 20 लाख की दी है। फिर कितने बताओ? बाबा वो 60 लाख। हाँ ये सही है यही बताना है 60 लाख। सुन लिया यार सुन लिया। जाओ बाबा लेकर आ बाबा। कान तेज है आपके हैं? हाँ बाबा ये तो बड़ी अच्छी है। वाह वाह सही वाह। हाँ बाबा ये वाली भी अच्छी है। वाह 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 वाह। आइए 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 आइए।
अब ये कौन है? आपके पास ट्रक है या बस है? अरे नहीं बाबा नहीं, ये देखो बाबा ये देखो, ये देखो बाबा ये देखो, ये वाली गाड़ी। हाँ यही गाड़ी तो मुझे चाहिए थी, है ना? ये देखो बाबा। लेकिन ये चाबी ये किस गाड़ी की है? बाबा इसी गाड़ी की तो है। देखा, मैंने कहा था ना मेरे अदा मेरी बात को चाल नहीं सकता। लेकिन ये गाड़ी कितने की मिली? बाबा पूरे 60 लाख की। 60 लाख बस? इतनी सस्ती कैसे मिल गई? अरे बाबा ये जानी है ना बाबा, इसने दिलवाई है इतनी सस्ती गाड़ी। भाई मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। आप जानी बला सबके लिए मिठाई ले आओ। वो मैं शाम को जाऊंगा, मिठाई ले आऊंगा मैं। अच्छा बाबा नदीम साहब सही आओ ना, मैं आपको कुछ पैसे दे दूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। चले आजा बाबा आजा। जी 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 जी। गाड़ी आ गई बड़ी वाली। चलो भाजाई हम भी थोड़ा मजीद फ्रेश हो जाते हैं, आ जाओ। हाँ हाँ चलो घूमने चले गए फिर। चलो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये मसला भी हल हुआ। चलो जब तक मैं जरा थोड़ी सी कॉफी पी लूं। बच्चू भाई तो एक कतरा भी कॉफी का नहीं छोड़ते। चलो खैर घड़ी आ गई। हाँ हाँ शाजिया मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। नहीं नहीं बैठेंगे नहीं, बस तुम्हें ना एक चीज दिखानी है, बस निकल रहे तुम्हारे घर ही आ रहे हैं। अदा बच्चू बाबा मैं बता रही हूँ, मैं शीशे के आगे ही बैठूंगी। अरे बाबा बहुत बड़ी गाड़ी है, शीशे ही शीशे, कहीं भी बैठ जाना। चले सर चले। हाँ बाबा चल चल आ जा। हाँ हाँ चलो। ये बेग साहब कहाँ से? ये जो बाहर गाड़ी खड़ी है ये किसकी है? वो बड़ी वाली गाड़ी। हाँ हाँ वही बड़ी वाली। अरे बेग साहब वो अदा ने आज ही खरीदी है। अच्छा हाँ बच्चो ये लड़की सही कह रही है। हाँ बाबा हमने खरीदी है नई गाड़ी बाबा। अच्छा कितने के लिए? पूरे 60 लाख रुपए की। अच्छा अच्छा पूरे 60 लाख के लिए? झूठ बोलते हो, ये नॉन कस्टम पेड गाड़ी है, इसका तो रखना ही जुर्म है। चलो मेरे साथ आने। नॉन कस्टम पेड? नहीं नहीं हमने तो पूरे 60 लाख रुपए दिए। बच्चू बताओ ना। 60 लाख की नहीं 20 लाख रुपए की लिए, और जिससे लिए उसे हमने गिरफ्तार कर लिया है। अदावा जो बताओ ना भला। अब तो जो कुछ भी कहना सुनना है थाने चलकर कहना। चलो मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे बाबा किसी टीवी शो में? जी अब मेरा मतलब है किसने धोखा दिया है बाबा, नाम बताओ। जानी। बड़ी मेहरबानी। नहीं नहीं मेरा मतलब उसका नाम जानी है। जानी दुल्हन पहचानो यही है। मेरी निगाहें कभी धोखा नहीं खा सकती, यही है मेरे सरताज। अरे जानी बाबा तुमने शादी में हमें बुलाया भी नहीं ना। कैसे बुलाता, मैं खुद नहीं गया? क्यों बुला गया? गाड़ी में जगह कम पड़ गई थी क्या? जानी तुम्हें उसको अब अपनाना पड़ेगा। हाँ जानी उसकी जिंदगी का सवाल है। सीमा मैडम मैं उसको जानता तक नहीं। हाँ मैंने एक फिल्म में देखा था, पहले जो है ना हीरो मुकर जाता बाद में वो ठीक हो जाता है। कौन सी फिल्म? लो दुल्हन फंस गई। आप दोनों कौन है? बाबा मैं इनका शोर हूँ, ये मेरी टीचर है। मतलब? मतलब ये कि हम दोनों मियाँ बीवी हैं। अच्छा लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप कुआरे। अरे बाबा मैंने ऐसा कब कहा है? अरे बाबा क्या हो गया जानी, सब खैर तो है? आपने किसी दुल्हन को तो नहीं देखा? दुल्हन? दुल्हन कौन दुल्हन? लगता है मैंने कोई बहुत बुरा ख्वाब देखा। लेकिन दुल्हन से याद आया, हम तुम्हारी शादी करा रहे हैं। वो तो मैंने कर ली। इम्प्रोवाइज़ी नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।